बच्चों लास्ट हमने क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट पढ़ लिया था वाई डू वी क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट एवरीबडी वी ओन इट बट मेनी अ टाइम्स दिस क्लोजिंग स्टॉक वोट अपियर चिल्ड्रेन आउटसाइडर इट इल अपियर इन साइड इन दैट केस ऑल्सोल इट बी ट्रीटेड एज एन एडजस्टमेंट टू बी पोस्टेड एट टू प्लेसेज नो तब उसका डुअल एस्पेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट है तब वो कहां जाएगा सिर्फ एक जगह दैट इज बैलेंस शीट अगेन बच्चों रटिएगा हैं पैटीज है. है तो है तो को पीते नहीं जूस को खाते नहीं बेंगोलीस की बात अलग है वो हर चीज में बोलते हैं खोबे समझ में आया कि नहीं आया तो थोड़ा वहां पे केमिस्ट्री का प्रॉब्लम चलता है स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ा उन्होंने ठीक से खैर तो आगे चलते हैं बच्चों किस पे डेशन पे सबको एडजस्टमेंट नजर आ रहा है स्क्रीन पे चलिए सो वी को सैलरी कम दी थी बदतमीजी कर गया और ड्यूरिंग द सेशन रिकॉर्ड ही नहीं किया तो सर ठीक है हम भी भूल जाते हैं अच्छी बात है बिकॉज इफ वी रिकॉर्ड डेप्रीसिएशन पीएल में जाएगा पीएल में जाएगा तो प्रॉफिट को कम करेगा तो हमको टैक्स भी कम देना पड़ेगा तो सर गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा अरे बच्चों ऐसा नहीं है अंडर सेक्शन थर्टी टू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी चिल्ड्रेन डेप्रीसिएशन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में चार्ज करना कंपलसरी है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप इसको इग्नोर कर सकते हैं वॉट इट क्लियर तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा डेप्रीसिएशन इन माई एग्जाम्पल इज स्टेटेड एट वॉट परसेंटेज चिल्ड्रन टेन परसेंट वेरी गुड टेन परसेंट

तो वाई डू बी डेबिट डेप्रिसिएशन ये लिखना बहुत जरूरी है चिल्ड्रन अगेन मैचिंग कॉन्सेप्ट क्रेडिट साइड में जीपी डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन एंड दूसरा है चिल्ड्रन अप्रूवल कॉन्सेप्ट ऑल एक्सपेंसेज आर टू बी कंपल्सरली रिटर्न ऑफ इन कैश और नॉट तो ये दो बातें जरूर नोट डाउन कर लें लोग अपने नोट्स में क्विकली देर आफ्टर बैलेंस शीट में आपने इसको माइनस कर दिया फंडामेंटल लॉजिक इसलिए क्यों माइनस किया ये भी रीजन लिख दीजिए सो एज टू नो द ट्रू वैल्यू ऑफ द एसेट बिकॉज बाइबा में आपसे पूछा जाएगा वाइट एप्रीसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम असेट ऑन दसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट सोर आंसर वुड बी टू नो द ट्रू वैल्यू ऑफ असेट को बात गई सबने लिख लिया बच्चों समझ में आ गया चलिए मूविंग अहेड अब सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चल मेनी अ टाइम्स डेप्रिसिएशन विल डेप्रीसिएशन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस डू आंसर मी बच्चों ट्रायल बैलेंस में चीजें कहां से आती हैं लेजर से आती हैं वेरी गुड एंड लेजर में चीजें कहां से आती हैं जर्नर चलिए जैसे कुछ लोग सो सो के क्लास में आते हैं वैसे ही चीजें ट्रायल बैलेंस में कहां से आएंगी लेजर से और लेजर में कहां से आएंगी जर्नल से वाइल प्रिपेयरिंग जर्नल चिल्ड्रन वी रिकॉर्ड द डेबिट एस्पेक्ट एज एज वेल क्रेडिट एस्पेक्ट सेम जर्नल की चीजों को जब हम लेजर में लिखते हैं तो वी कॉल इट एज वॉट पोस्टिंग पोस्टिंग चिल्ड्रन डेबिट एस्पेक्ट में भी होती है एज वेल एज क्रेडिट में भी सो इफ अ ट्रांजेक्शन लेजर

और सेकेंड एंट्री को कैसे पोस्ट करेंगे चिल्ड्रन बाय डेप्रीसिएशन तो देखिए मशीनरी अकाउंट में टू बैंक एंड बाय डेप्रीसिएशन इज वेल विजिबल टू ऑल सो वन लाख की वैल्यू बाय चार्जिंग डेप्रीसिएशन रिड्यूस्ड टू रूपीज हाउ मच चिल्ड्रन नाइनटी थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड रुपी ब्रॉड डाउन के साइड पे आ रहा है बच्चों डेबिट साइड तो इट इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ बैलेंस डेबिट बैलेंस एक्सेलेंट उ दिस एंट्री कुड बी पोस्टेड एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट चिल्ड्रेन टू मशीनरी वेरी गुड तो डेप्रीसिएशन अकाउंट में आप लिखेंगे बच्चों टू मशीनरी कैरेट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड एंड ब्रॉड डाउन ऑन द डेबिट साइड अगेन चिल्ड्रेन इट हैज काइंड ऑफ बैलेंस डेबिट बैलेंस तो ट्रायल बैलेंस में मशीनरी कितनी नजर आ रही है नाइनटी और डेप्रीसिएशन कितना नजर आ रहा है दिमाग की वक्ति जलाए मेन्टोसाइ बगैर एंड डू लेट मी नो

बाइंग से रिलेटेड या नहीं बाइंग से रिलेटेड नहीं है तो इट इज इनडायरेक्ट डायरेक्ट कहा जाएगा पीएल अब क्या आपको इसको फिर दो जगह लिखना पड़ेगा नो no, बिकॉज ये ऑलरेडी हमारी मशीन की वैल्यू को रिड्यूस कर चुका है फिर से रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है तो ध्यान दीजिएगा बच्चों बात पे क्लोजिंग स्टॉक के, के केस में वी स्टडीड कि अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है इट विल अपीयर ओनली इन बैलेंस शीट वाई बिकॉज इट इज एन अट केस में वॉट है तो हमेशा बैलेंस शीट में ही आएगी ये जरूरी नहीं है एनी थिंग विच इज अवेलेबल इन द किचन खाने के लिए है सर हाँ कुछ मुंह से खाने के लिए कुछ सिर पर खाने के लिए बेलन और चपाती समझ में आया कि नहीं आया पक्का तो रटेंगे तो नहीं तोते कित तो बस दो बातें याद रखिएगा इफ इट इज एन एडजस्टमेंट इट इज बींग टॉक टू यू कहां जाएगा इफ सच आइटम अपियर इन साइड बैलेंस आपको क्या बात याद रखनी है चलो लाइबिलिटी है liability है कैपिटल है, तो इट विल गो इन बैलेंस शीट एक्सपेंस है और इनकम है तो कहां जाएगा ट्रेडिंग पीएल में डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग इनडायरेक्ट है तो पीएल बस यहां पे बच्चे गलती करते हैं बिकॉज मेजोरिटी टीचर्स उस बात पे ध्यान ही नहीं देते वो एडजस्टमेंट तो पढ़ा देते हैं बट बच्चे को जब डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलता है वो कोशिश करता है कि मैं इसको दो जगह लिखू क्या वो दो जगह जाएगा? इट इज इन साइड इट है तो एडजस्टमेंट वंस अगेन आई एम आंसरिंग आर दोज आइटम्स जो ड्यूरिंग ईयर वर नॉट अकाउंटेड और रॉन्गली अकाउंटेड अकाउंटिंग या तो नहीं किया तो गलती कर दी तो सही करने के लिए दोनों एस्पेक्ट सही करने पड़ेंगे तो इन दैट केस दो जगह वो जाएगा बट वेन इट हैज कम इन साइड क्या वो एडजस्टमेंट है तब वो एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं है समझे कि नहीं समझे पक्का मान लीजिए कोई सड़क पे जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया टांग टूट गई टांग टूट गई तुरंत उसका सो कॉल्ड फर्स्ट एड हो चुका है अब डॉक्टर के पास ऑपरेट करवाने ले जाना है डॉक्टर के पास पहुंचे उसने देख लिया पट्टी बंधी है बेवकूफी डॉक्टरों का अगर पूछेगा इनका फर्स्ट एड हुआ है कि नहीं हुआ नहीं नहीं पट्टी तो ऐसी चिपका दी है भाई अगर पट्टी लगी है तो इसका मतलब फर्स्ट एड हो चुका है है बस अब ट्रीटमेंट स्टार्ट होना समझे कि नहीं समझे नहीं समझे बात को पक्का क्लियरली अंडरस्टूड चलिए तो अंडरस्टूड अंडरस्टुंडी सब लोगों ने ये कॉन्टेंट लिख लिया डेबिट बैलेंस मार्क कर लिया सबने लिख लीजिए याददाश्त तेज हो जाएगी क्विकली चलिए सो पीपल अंडरस्टूड डेप्रिसिएशन का क्या करना है पीएल में डेबिट और एसेट में माइनस बट इफ इट इज गिवन इन साइड तो इट इज नॉट एन एडजस्टमेंट इट विल बी पोस्टेड लाइक एसेट एक्सपेंस कैपिटल लाइबिलिटी एंड इनकम ठीक है चलो नेक्स्ट बाहर खड़ा खर्चा वट इज इट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो बाहर रहने इसको नो ड्यूरिंग द सेशन सैलरीज एंड वेजेस वर पेड अमाउंटिंग टू रूपीज हाउ मच ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड ऑफ द सेशन इट वॉज नोन की हमने सो कॉल्ड पांच हजार रुपए या सैलरी पे करना है बच्चों बट अभी पे किया नहीं तो इट कुटैंडिंग इट कुड बी कॉल्ड एज येट टू बी पेड इट कुड बी कॉल्ड एज अनपेड एंड इट कुड बी कॉल्ड एज टू हाउ मेनी डू बी स्टडी फोर तो आपने वेजेस पे करने थे बट आपने पे किए नहीं तो आई कैन से फाइव थाउजेंड इज द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट और सर्विस विच इज येट टू बी पेड पांच हजार रुपए बेनिफिट का कॉस्ट है जो अभी आपने पे नहीं किया ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों क्या ये फाइव थाउजेंड रुपी एडजस्टमेंट वाला ऑलरेडी ट्वेंटी फाइव में पहले से जुड़ा है Not at all. अगर यह जुड़ा होता तो हम बोलते हैं कि यह ड्यूरिंग दर अकाउंट फॉर हो गया और अगर यह अकाउंट फॉर हो गया तो डेफिनेटली एज एन एडजस्टमेंट को नजर नहीं आता समझना गया तो इट जस्ट लाइक यू आर बींग सर्व कप ऑफ टी इन केटल और साथ में शुगर क्यूब्स रखी है इसका क्या मतलब है दिखाने के लिए रखेंगे हम भी रही से नो शुगर क्यूब्स टी के साथ क्यों रखी गई है कि भाई उसमें शुगर एडेड नहीं है तो अगर ये एडजस्टमेंट में लिखा है तो इसका मतलब ये पहले से इंक्लूडेड नहीं है तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपी इज द कॉस्ट ऑफ सर्विस विच इज पेड ऑफ एंड फाइव थाउजेंड रुपी इज द कॉस्ट ऑफ सर्विस विच इज येट टू बी पेड दोनों में कॉमन क्या है चिल्ड्रन बेनिफिट right. या सर्विस आपको मिल चुका है करेक्ट तो ट्वेंटी फाइव का बेनिफिट आपको मिल चुका है फाइव का बेनिफिट आपको मिल चुका है बट आपने पेमेंट नहीं किया तो प्लीज टेल मी टोटल बेनिफिट दैट वी हैव रिसीव्ड ऑफ दिस सर्विस इज हाउ मच थर्टी हाउ यू विल मेक योर ट्वेंटी फाइव टू बिकम थर्टी प्लस कर देंगे तो दैट्स वाई आउटस्टैंडिंग वेजेस वुड बी एड थर्टी so, थाउजेंड रुपी इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस विच इज पेड प्लस अनपेड आई रिपीट चल ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव थर्टी थाउजेंड इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस विच इज पेड प्लस अनपेड तो अब जब हम अक्रूवल बेसिस पढ़ते थे

लाइबिलिटी साइड सो मैं साथ साथ आपको लॉजिक भी लिख के दे रहा हूं अपनी वर्क बुक में प्लीज इन लॉजिक्स को लिखते जाइए लोगों को लग रहा होगा वर्क बुक मिल गई तो सब कुछ मिल गया ऐसा नहीं है फिफ्टी परसेंट इन्फॉर्मेशन है बस इसके अंदर बाकी के लिए क्लास अटेंड करना जरूरी है तो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रेन वाई एंड वेयर वी आर रिकॉर्डिंग इट झटपट अपडेट कर लें सो चिल्ड्रेन एफ आई एस से आपके घर के बाहर गेस्ट खड़े हैं उनको आपका एड्रेस नहीं पता था आपने उनको डिनर पे या लंच पे या ब्रेकफास्ट पे बुलाया ब्रेकफास्ट पे लोग कम बुलाते हैं सवेरे कौन उठेगा इतनी जल्दी डिनर का तो चलो चल जाएगा दिन का खाना एक्स्ट्रा बना तो वही रात में निपटा दिया उनको सो so, अगर वो घर के बाहर खड़े हैं तो आपको दो काम करने पड़ेंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू विल यूट इन साइड एंड देन यू विल स्टार्ट बीटिंग देम हम नर्मिंदर हैं नो no, क्या करेंगे खाना खिलाएंगे ना इन्वाइट कर लिया तो गेट खोलते समय तो किया था अब जो इन्वाइट ही नहीं करेगा उसको क्या पता था इन्विटेशन कैसे दिया जाता है तो पहले आप इन्वाइट करेंगे उनको घर के अंदर एंट्री देंगे ठीक है आपने आउटस्टैंडिंग वेजेस पीएल में या ट्रेडिंग में ऐड कर लिया सैलरी जैसा होगा तो पीएल में जाएगा wages जैसा है तो इतनी बात समझ में आती सबको और फिर उसके बाद घर के अंदर क्या खिलाना उनको नो तो no. अब क्या करना है सर खाना खिलाना है तो यही चीज यहां पे भी है बच्चों मेनी टाइम्स यू विल फाइंड दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल अपीयर वेयर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस वही पुराना राग things coming inside the trial balance oh oh sorry 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 ledger की बैलेंसरी गड़बड़ हो गई ठीक कर लीजिए लेडगर लिखना था लिख दिया था लेकिन पहले भी सही करना पड़ेगा आप लोग बोलते नहीं है भाई तोते की तरह सुनते रहते हैं चलिए प्राश्चित हो गया नहीं तो आत्मा भटकती मेरी चलो भाई तो चीजें ट्रायल बैलेंस में कहा से आती है बच्चों लेजर और लेजर के अंदर उन्हें कहां से पटका जाता है जर्नर समझ में आ गया तो जैसे आपने घर में बदमाशी की बचपन में मम्मी ने पहले दो छापड़ मारे आपको डेबिट क्रेडिट जर्नल बन गया आपका फिर आपको स्टोर रूम में बंद कर दिया अब क्या हो रहा है लेजर फिर आप रोएंगे बिलखेंगे अपनी गलती का प्राश्चित करेंगे मम्मी कहेंगे अगली बार ऐसा नहीं होगा आपका डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट लेजर बैलेंस हो गया फिर आपको छोड़ दिया जाएगा अब वापस घर में आ चुके हैं इट इज ट्रायल बैलेंस चलिए सो बच्चों व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर वेजेस पेड वेजेस टू कैश और बैंक की एंट्री याद है किसी को आउटस्टैंडिंग वेजेस की एंट्री याद है किसी को wages wages account to outstanding wages. Excellent answer. अगर मैं आपसे क्या जवाब होगा आपका टू बैंक एंड हाउ दिस सेकंड एंट्री पोस्टेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस दिमाग की बत्ती जलाए मेंटोस खाए बगैर बच्चों वेजेस में टोटल वैल्यू इज अपियरिंग हाउ मच थर्टी थाउजेंड रुपीज कितना 30, रुपीज, में गई, नहीं अब बच्चों ये 30 यहां पे अकाउंटिंग से ऑलरेडी आ चुका है I repeat, अकाउंटिंग से आ चुका है। एक पेशेंट हॉस्पिटल में जमा था मतलब एडमिट था जमा था मतलब एडमिट हो गया था ग्लूकोज की बॉटल लगी हुई है और डॉक्टर को एक इंजेक्शन भी ठोकना है उसको उसी बॉटल में इंजेक्शन लगा दे उसी के थ्रू दवाई चली जाएगी या अलग से सुझा भोग उसी में वही काम यहाँ पे भी किया है बट अगर ग्लूकोज पूरा चढ़ चुका है बाद में डॉक्टर को होश आया पेशेंट की तरह वही बेहोश पड़े थे अच्छा इनको तो और इंजेक्शन ठोकना था तब उनको अलग से इंजेक्शन ठोकना पड़ेगा वो एडजस्टमेंट हो गया ठीक एल्स वो ग्लूकोज की बॉटल के अंदर ही एड कर देंगे तो चिल्ड्रेन ये थर्टी थाउजेंड रुपी बन चुका है हाउ दिस एंट्री कुड बी पोस्टेड इन आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट आई होप सो लेक्चर बहुत फास्ट नहीं होगा पक्का हाँ तो क्या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस में बाय वेजेस ट डाउन कितना आ गया बच्चों फाइव और ब्रॉड डाउन वेरी गुड तो ये कौन सा बैलेंस हो गया चिल्ड्रन क्रेडिट बैलेंस और ये कौन सा बैलेंस हो गया डेबिट बैलेंस वेजेस जैसा अकाउंट है बच्चों कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस और असेट वेजेस जैसा अकाउंट है कैटेगरी इज एक्सपेंस वेरी गुड और आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो इट इज अ लाइबिलिटी लाइबिलिटी बच्चों कहां पे लिखी जाती है बैलेंस शीट में एक्सपेंस डायरेक्ट नेचर का होगा तो ट्रेडिंग में जाएगा इनडायरेक्ट नेचर का होगा तो पीएल में जाएगा अंडरस्टूड अब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आ गया तो पीपल अंडरस्टूड इट्स जर्नी चिल्ड्रन पीपल अंडरस्टूड इट्स जर्नी अब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है क्या आप इसे भी दो जगह पुट करेंगे क्योंकि एक जगह तो ये ऑलरेडी थर्टी के अंदर पुट हो चुका है तो यहां पे गेस्ट अंदर आ चुके हैं घर के सिर्फ खाना खिलाना समझ में आ गई बच्चों बात सो आउटस्टैंडिंग वेजेस बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी अपियर्स वेयर बच्चों इन बैलेंस शीट समझ में आ गई बात और इट वॉज अ वेरी टफ थिंग तो क्लोजिंग स्टॉक बाहर है तो कहां कहां जाएगा सबको पता है ट्रेडिंग की क्रेडिट बैलेंस शीट की असेट मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड ओनरशिप रिस्पेक्टिवली क्लोजिंग स्टॉक अंदर है तो कहां जाएगा सिर्फ बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन बाहर है तो पीएल में डेबिट और असेट में माइनस और अंदर है तो सिर्फ पीएल में जाएगा, में नहीं जाएगा. बाहर है, तो करेंगे, करेंगे? है चिल्ड्रन और टी थोड़ा प्लस का कजन ब्रदर है बस ऐसे याद रख लीजिएगा घर के बाहर मेहमान खड़े बरसात होगी आओ अंदर आ जाओ भीग जाओगे नहीं तो ऐड करना है फाइन

चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन अगली प्रजाति वॉट इज कॉल्ड एज प्री पेड एक्सपेंस ट्वेंटी सैलरी या वेजेस नजर आ रहे चिल्ड्रन सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ सर्विस विच वॉज पेड करेक्ट चिल्ड्रन एडजस्टमेंट से आपने टाइम से पहले पांच हजार रुपए पे कर दिया एडजस्टमेंट से फाइव थाउजेंड रुपी एक ऐसा पेमेंट है जिसका बेनिफिट आपको अभी नहीं मिला अनएक्सपायर्ड का मतलब है बेनिफिट इज येट टू बी डिराइव इसका आपको बेनिफिट पूरा नहीं मिल पाया कहते हैं ना उम्र पूरी हो गई तो अभी इसकी उम्र पूरी नहीं हुई तो फाइव थाउजेंड रुपी इज अज्यूम्ड एज ऑलरेडी पेड बट बेनिफिट इज नॉट डिराइव तो पांच हजार रुपए का पेमेंट तो आपने कर दिया बच्चों बट इसका बेनिफिट आपको नहीं मिला कैन एनी बट आंसर मी दोनों चीजों में कोई सिमिलैरिटी है बच्चो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और फाइव थाउजेंड में न्यूमेरिकल वैल्यू छोड़ के कोई सिमिलैरिटी नजर आ रही है सर्विस ये तो डिफरेंस हो गया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इज द कॉस्ट ऑफ सर्विस विच वॉज पेड हां ये भी पेड है और ये भी पेड है इज क्लियर तो ट्वेंटी थाउजेंड के अंदर फाइव थाउजेंड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड आई रिपीट चिल्ड्रेन इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड अब बच्चों क्या आपको बेनिफिट मिला इसका आपको इसका बेनिफिट नहीं मिला आई रिपीट चिल्ड्रेन आपको इसका बेनिफिट

मैंने कहा कह रही है सर वो दोनों प्लान एग्जिस्ट कर रहे हैं मैंने कहा भाई दोनों प्लान एग्जिस्ट कर रहे तो चीटिंग एग्जिस्ट कर रही है एक तरफ आप कस्टमर को कहते हो थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइनटी थ्री दीजिए एक तरफ आप कस्टमर को कहते हो थ्री थाउजेंड थ्री दीजिए तो वही ये तो चीटिंग है प्लीज डू इट समथिंग तो कह रहे सर आप परेशान बताइए तो हमने आपसे जो फोर नाइनटी ज्यादा लिया है हम एक महीने का आपका सो कॉल वैलिडिटी बढ़ा देते हैं तो आपका एक्सेस पेमेंट वहां सत्ताईस अट्ठाईस दिन में एडजस्ट हो जाएगा आई सेड ओके तो मैंने टोटल पेमेंट कितने का किया थ्री फोर नाइन थ्री बट करना कितने का चाहिए था तो रुपए एक्स्ट्रा दे दिया दिस एक्स्ट्रा पेमेंट इज व्हाट चिल्ड्रन प्रीपेड एक्सपेंस समझ में आ गया तो वैसे ही बच्चों यहां पे भी है 25 आई हैव पेड जिसमें पांच एक्स्ट्रा है तो मेरे को बेनिफिट कितने का मिलेगा 20 व्हेन द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट इज 20 माय एक्सपेंस विल आल्सो बी हाउ मच चिल्ड्रन 20 मैथ्स सबको आती है हाउ एंड बाय यूजिंग ट एक्सटेंट ऑफ मैथमेटिक्स हम अपने 25,000 को 20 कर सकते हैं बच्चों बाय mm सब्ट -hmm. क्योंकि 25 में ऑलरेडी इंक्लूडेड इज दट अंडरस्टो चिल्ड्रेन बातें पता होनी चाहिए आपको क्योंकि अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे और सिंपली तोते तरह रट लेंगे आउटस्टैंडिंग आया भन्न से एड करो प्रीपेड आया ढन्न से माइनस करो तो नंबर भी झन्न से चले जाएंगे आपके धन भन्न झन समझ में आ गया तो यू शुड बी नोइंग द कॉन्सेप्ट पानी तभी बढ़ाया जाएगा जब आपको लग रहा है कि चीनी थोड़ी ज्यादा हो चुकी है समझ में आ गया लोग खाएंगे तो डायबिटीज से मर जाएंगे पता लगा और हलुआ पूड़ी बढ़ गया उस चक्कर में नहीं समझे बात को क्लियरली अंडरस्टूड पक्का तो घर में स्टेपलाइजर कब लगाते हैं जब वोल्टेज हाई हो ऐसा नहीं कि बगल में पड़ोस के शर्मा अंकल ने खरीदा हम भी खरीदेंगे नहीं तो हमको गरीब बोला जाएगा इज दैट क्लियर और और नॉट नॉट इज दैट क्लियर पक्का चलिए सो ट्वेंटी फाइव आपने पे किया जिसमें फाइव एक्सेस है तो वैल्यू ऑफ ओनली ट्वेंटी तो कैसे आप ट्वेंटी फाइव को ट्वेंटी करेंगे बच्चों बाय बायोग थाउजेंड और ये जो पांच हजार रुपए आपने एक्सेस दे दिया चिल्ड्रेन ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्सन को एज योर डेटर आई रिपीट चिल्ड्रन एज योर डेटर और डेटर जैसा पर्सन बैलेंस शीट में किधर को नजर आता है बच्चों साइड में इन द नेम ऑफ प्री पेड एक्सपेंस समझे बात को सबको समझ में आ गया बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस की कहानी सो दिस रिप्रेजेंट्स डेटर्स फॉर सर्विसेस लॉजिक अंडरस्टूड वेल तो प्लीज 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 डू नॉट मग अप आउटस्टैंडिंग है तो प्लस कर देंगे और प्रीपेड है तो माइनस कॉन्सेप्ट याद रखिएगा समझ गए सब लोग समझ गए अब मान लीजिए नेक्स्ट ईयर मैंने एम्प्लॉय को टोटल बीस हजार रुपए फिर सैलरी देनी है पांच तो पिछले साल एक्स्ट्रा दे दिया था अब अगले साल कितना कैश देंगे ओनली फिफ्टीन तो बराबर हो जाएगा नॉट गेटिंग समझ में आ गया पक्का कंफर्म चलिए बट कभी-कभी मेरे मन में ख्याल तो नहीं आता बट प्रीपेड एक्सपेंस कहां पियर करता है चिल्ड्रन कहां एग्जिस्ट करता है इनसाइड द ट्रायल बैलेंस कहां से आया ये लेजर से और लेजर में कहां से आएंगी चीजें जर्नल से वेरी गुड वेजेस पेड की एंट्री तो सब बच्चों को आती है एंट्री होती है बच्चों वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अ प्रीपेड की मैंने आपको दो एंट्रीज पढ़ाई थी अगर आपको याद हो तो yes, sir, एक पढ़ाई थी प्रीपेड वेजेस टू To cash? और बोला था रिफ्रेन करिए अपने आपको इस को मत समझिएगा और एक पढ़ाई थी बच्चों so, था सिर्फ ट्वेंटी कैसे इस ट्वेंटी डेबिट को ट्वेंटी किया जाएगा फाइव थाउजेंड क्रेडिट करके गोट इट क्लियर वेजेस अकाउंट आपने ड्रॉ किया बच्चों उसमें इस एंट्री की पोस्टिंग क्या कर दी टू बैंक हाउ डू वी पोस्ट दिस जर्नल एंट्री चिल्ड्रन बाय प्रीपेड वेजेस। तो डेबिट में कितनी वैल्यू लिखी ट्वेंटी वैल्यू लिखी डेबिट क्रेडिट माइनस के इफेक्ट कितना देगा चिल्ड्रन तो अगर मैं बोलू पच्चीस हजार क्या है आप बोलेंगे सर इट्स अ पेमेंट और मैं बोलू बीस हजार क्या है तो आपका जवाब होगा एक्सपेंस <laughs> ज दैट क्लियर एंड प्रीपेड वेजेस की पोस्टिंग होगी बच्चों प्रीपेड टू वेजेस ब्रॉड डाउन वैल्यू कितनी आएगी फाइव थाउजेंड विच टाइप ऑफ बैलेंस इज दिसबिट बैलेंस रिफ्लेक्ट वॉट चिल्ड्रेन आसेट ध्यान दीजिएगा रहा हूं मैं हाउ डिड वी गेट दिस ट्वेंटी चिल्ड्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी फाइव बाइ सब्रैक्टिंग बट अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में बच्चों कितनी वैल्यू आ रही है ट्वेंटी तो ऑलरेडी सब हो चुका है क्या फिर से माइनस करने की जरूरत है नो no. आपने अपने फ्रेंड को बोला भाई नई लग गई है वो कौन सी ओपो हाइमर करके ओपन हाइमर अब क्लोज हाइमर है तो घर से एक साथ चलेंगे और तुम टिकट ले लेना मैं पॉपकॉर्न और वो टॉयलेट वाटर मतलब कोल्ड ड्रिंक ले लूंगा समझ में आ गया अब उसने ऑलरेडी टिकट खरीद लिया है आई रिपीट टिकट खरीद लिया है तो आपको सिर्फ उसको बाद में पेमेंट करना है अभी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है तो ऑलरेडी बच्चों वेजेस में ज्यादा तो नहीं हो गया एक साथ में पढ़ लिया चलिए तो वेजेस आ गया ट्वेंटी चिल्ड्रन और प्रीपेड कितना गया? 5. तो expense, ट्रेडिंग जो भी हो और ये कहा जाएगा बच्चों सेट साइड ऑफ बैलेंस शीट कहानी समझ में आ गई तो पूरी गाथा एक बार फिर से गा देते हैं कबीर के दोस्त बाहर है ट्रेडिंग की क्रेडिट और बैलेंस शीट की अट्ठाइन अंदर है तो सिर्फ बैलेंस शीट की असेट में जाएगा ठीक है डेप्रीसिएशन आउटसाइड डिडक्टेड फ्रॉम असेट एंड शोन ऑन द डेबिट ऑफ पीएल और अंदर है तो सिर्फ बैलेंस तो पीएल में जाएगा ना 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 उज्ज्वल जी गलत डेप्रिसिएशन का नेचर एक्सपेंस और लॉस का होता है तो एक्सपेंस और लॉस थोड़ा बैलेंस शीट में जाते हैं कहा जाते हैं पीएल okay. में जाते हैं समझ में आ गया चलिए कोई बात नहीं देर आफ्टर बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर है बाहर दिया है तो वील इन द एक्सपेंस वैल्यू और बैलेंस शीट में कहा शो करेंगे लाइबिलिटी साइड प्रीपेड एक्सपेंस है सॉरी अगर आउटस्टैंडिंग अंदर है तो क्या करना है सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी प्रीपेड अगर बाहर है तो एक तो आप माइनस कर देंगे और दूसरा बैलेंस शीट की असेट में और अगर अंदर है तो कहां लिखेंगे सिर्फ असिट साइड ऑफ बैलेंस शीट में ऑल फोर एडजस्टमेंट्स वेंट वेल आई सपोज पक्का कंफर्म चलिए सो so, हमारा अगला एडजस्टमेंट होगा चिल्ड्रन अक्रूड इनकम का अब बच्चे कहेंगे सर थोड़ा न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करा दे फिर आगे चले ये जो छह एडजस्टमेंट स्टार्टिंग के है ना बच्चों ये दुल्हन की मांग का सिंदूर और मंगलसूत्र है ये हर क्वेश्चन में रहेंगे ही रहेंगे तो लेट अस स्टडी दीज सिक्स फर्स्ट तभी मैं आपको कोई क्वेश्चन करवा पाऊंगा फाइन अक्रूड इनकम बोले या आउटस्टैंडिंग इनकम बोले इट मींस वन एंड द सेम थिंग आई रिपीट चिल्ड्रन इट मींस वन एंड द सेम थिंग बट इनकम के साथ ये जो आउटस्टैंडिंग शब्द है बच्चों ये थोड़ा स्लैंग लगता है गड़बड़ लगता है अच्छा नहीं लगता खाना पड़ा है खा लेना अच्छा ना लगता ना खाना रखा है खा लीजिएगा थोड़ी लखनवी नवाबी भाषा में तो थोड़ा अच्छा लगता है इज दैट क्लियर यू आर वेरी बैड डांट असर करेगी नहीं दलितर हो गया एकदम से ये डांट असर करती है खोपड़े में बात गई इफेक्टिविटी ऑफ टॉक की बात कर रहे हैं हम लोग तो सो कॉल्ड अक्रूड इनकम अच्छा लगता है बट आउटस्टैंडिंग इनकम अच्छा नहीं लगता सो so, मैंने अपने बिल्डिंग का एक फ्लोर किराए पे दिया था बच्चों और कितना रेंट मिल चुका है सेवेंटी फाइव थाउजेंड बट टेनेंट uh, से बात हुई थी कि वो हमें रेंट कितना पे करेगा एट्टी थाउजेंड रुपीज पर एनम और नालायक ने सिर्फ सेवेंटी फाइव ही दिया है अब मेरे टेनेंट को जाके बोल मत दीजिएगा कि सर तुम्हें नालायक बोल रहे थे सो so, ये फाइव थाउजेंड रुपी बच्चों अभी भी लेना बाकी है सो आर टेनेंट इज इनडेटेड यस और नो चिल्ड्रन सो अमाउंट इज ड्यू टू बी रिसीव ये नो टेनेंट इज एक्टिंग लाइक देवदास मतलब डेटर एंड डेटर अपियर इन बैलेंस शीट चिल्ड्रन आसेट साइड खूब अड़ीम बात गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे से कहेगा बड़े चतुर हैं आप इनकम तो आपकी एट्टी थी बट आपने शो किया सिर्फ और सिर्फ सेवेंटी फाइव आपने टैक्स चोरी की है इनकम को अंडर रिपोर्ट करके चलिए जेल जाइए आपको अच्छा लगेगा आपके जेल चलेगा। सर जेल चले गए सर ऑनलाइन क्लास तो वहां से भी हो जाती है विल यू फील गुड नो तो मेरे को जेल नहीं जाना है तो माई टोटल इनकम वैल्यू इज हाउ मच चिल्ड्रन एट्टी बट हमारा ट्रायल बैलेंस क्या शो कर रहा है सेवेंटी फाइव कौन सा सुपर कंप्यूटर लाए जो सेवेंटी फाइव को 80 बना दे प्लस फाइव थाउजेंड कोई ये तो नहीं बोलेगा सर अभी तक सब डेबिट में चल रहा था क्रेडिट में क्यों चलाया अरे अभी तक पिज्जा खा रहे थे अब कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो अभी तक डेबिट में था तो एक्सपेंस था नाउ इट इज एन इनकम एंड इनकम वेयर चिल्ड्रन इन पी एल तो हाउ योर सेवेंटी फाइव बच्चों बाय एडिंग समझ में आ गया समझ में आ गया तो चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो चाहे आउटस्टैंडिंग इनकम हो दोनों को क्या करना है प्लस समझ में आ गया एक्सपेंस डेबिट में और इनकम क्रेडिट में क्यों ऐसा प्लस कर रहे हैं ये भी समझ में आ गया बिकॉज इफ यू डू नॉट रिकॉर्ड योर अक्रूड इनकम यू आर अंडर रिपोर्टिंग योर इनकम्स आई रिपीट यू आर अंडर रिपोर्टिंग योर इनकम्स तो यू विल बी ओवर रिपोर्टेड इन द पुलिस स्टेशन समझ गए समझ गए एंड ये जो अक्रूड है ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों इन डेटनेस क्या रिप्रेजेंट करता है इट क्लियर एंड इन डेटनेस रिप्रेजेंट योर डेटर्स जो बैलेंस शीट में किधर गुआएंगे एसेट साइड सबको कहानी समझ में आ गई चलिए अब मेहमान घर के अंदर तो आ चुके हैं क्या करना है उनके साथ सिर्फ खाना खिलाना है सो मेनी टाइम्स चिल्ड्रन अक्रूड इनकम कहां पे नजर आएगा आपको इनसाइड द ट्रायल बैलेंस चीजें ट्रायल बैलेंस में कहां से आती हैं बच्चों लेजर से वेरी गुड और लेजर में चीजें कहां से आती हैं जर्नल वट इज द जर्नल एंट्री फॉर रेंट रिसीफ्ट सब लोग बताएंगे रेंट अकाउंट डेबिट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट और अक्रूड रेंट की एंट्री क्या हो जाएगी अक्रूड रेंट टू रेंट वॉट एट अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई रेंट अकाउंट में इनकी पोस्टिंग झटपट कर दीजिए तो यू वुड से सर बहुत आसान है रेंट में लिखेंगे बाय बैंक हाउ मच सेवेंटी फाइव एंड बाय अक्रूड रेंट हाउ मच फाइव दोनों मिला के क्या बन गया बच्चों एंड इज इज योर योर इनकम इनकम आई रिपीट अब बच्चों जब इनकम ऑलरेडी एट्टी यहां हो चुकी है क्या फिर से फाइव एड कर देंगे नो एट्टी इज द करेक्ट इनकम तो पीपल अंडरस्टूड रिसिप्ट और इनकम में क्या डिफरेंस होता है रिसिप्ट इज पैसा आया हो सकता है इनकम हो, हो सकता है इनकम ना हो. सर ऐसा कैसे हो सकता है अरे आपने एक करोड़ का बैंक से लोन ले लिया इनकम हो गई अगर बोलेंगे हाँ तो मैं आपको जेल करवा दूंगा क्या विजय माल्या के रिश्तेदार हैं ठीक एंड अक्रूड रेंट की एंट्री क्या थी बच्चों और ब्रॉड डाउन कितना आएगा फाइव डेबिट बैलेंस कितना हुआ चलन फाइव थाउजेंड दिस डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट वॉट इनडेटनेस वेन देयर इज एन इंडेटनेस टेड टू एक्ट एज अ डेटर एंड डेटर कहां पर अपियर करेगा बच्चों बैलेंस शीट में अट साइड तो बींग एन इनकम शो एट एन पी एल अक्रूड रेंट ए सी एल आई पांचों में से क्या है असेट है असेट है तो बैलेंस शीट में कहा आएगा कहीं नहीं आएगा बैलेंस शीट में डेबिट साइड में आ जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगा समझ गए कंटेंट अपडेट कर लीजिए चलिए बच्चों हमारा लास्ट बेसिक एडजस्टमेंट लास्ट बेसिक इन छे के बगैर तो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन बनता ही नहीं ये छे एक विवाहित नारी का मांग का सिंदूर और मंगल सूत्र है ये छे तो रहेंगे ही रहेंगे नहीं तो आपको छठी का दूध दूर आ जाएगा तो ये छे तो पढ़ने और अगर आपने ये छे पढ़ लिए कॉन्सेप्चुअली मैं चैलेंज करता हूं बाकी चौंतीस एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको क्योंकि सबका बेसिक बेसिस यही था चिल्ड्रन रेंट रिसीव्ड हाउ मच चिल्ड्रन Seventy-five thousand. This is your receipt. so Rent pre-received. I repeat, rent pre-received. come ka this is the amount received in advance for which no corresponding service. इज रेंडर्ड आपने सेवेंटी फाइव और फाइव में बच्चों कोई सिमिलैरिटी देखी मेरे टेक्स्ट में क्या कोई सिमिलैरिटी नजर आई सेवेंटी फाइव और फाइव में देखिए जरा ध्यान से मिल जाएगा रिसिप्ट यह भी रिसिप्ट है और ये भी रिसिप्ट है तो फाइव थाउजेंड इज ऑलरेडी उजेंड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो मेरे टेनेंट ने मेरे को सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज दिया थ्री डेज के बाद मेरे को याद आया अरे माई अग्रीमेंट विद द टेनेंट वॉज ओनली टू पे मी आ रेंट ऑफ रुपीज हाउ मच चिल्ड्रन सेवेंटी बट दट टेनेंट पेड मी हाउ मच देना कितना था सिर्फ 70. तो कितने पैसे ने दे दिए तो तो मेरे सिर पे एक बहुत बड़ा बोझ है अगर मैं मर गया बिना इसको वापस किए तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी समझ में आ गया फिर उसके बाद आत्मा शांति हवन वगैरह में पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे तो सेवेंटी थाउजेंड की इनकम आपको शो करनी है बट हाउ मच इज बींग रिफ्लेक्टेड इन ट्रायल बैलेंस सेवेंटी फाइव तो अगर बच्चों हम ज्यादा इनकम अपनी बुक्स में शो कर देंगे तो आर प्रॉफिट विल गो आप प्रॉफिट बढ़ेगा तो भारत सरकार को टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा सरकार तो खुश रहेगी बट हम दुखी रहेंगे तो मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता तो कैसे आप अपनी सेवेंटी फाइव की वैल्यू को चिल्ड्रन सो कॉल्ड सेवेंटी की वैल्यू बनाए बाय सब्ट सेवेंटी फाइव थाउजेंड इज वॉट चिल्ड्रन रिसेप्ट एंड दिस सेवेंटी बिकम्स योर इनकम और इस फाइव को आप सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं एक्स्ट्रा रेसेप्ट इट इज दैट मनी विच इज रिसीव्ड बिफोर सो कॉल्ड यू आस्क्ड फॉर तो ट्रू इनकम दिखाने के लिए सेवेंटी फाइव को सेवेंटी करने के लिए क्या करेंगे हम लोग फाइव माइनस करेंगे तो आपको बच्चों एडवांस मिल गया ये एडवांस मिल गया सो so, ये आपके सिर पे एक बोझ है आपने कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं दिया मतलब सर्विस नहीं दी तो इट इज एन ऑब्लिगेशन और बिजनेस ऑब्लिगेशन को क्या बोला जाता है चल्ड्रन लाइबिलिटी है तो कहां जाएगी बैलेंस शीट में तो मैं वही पुराना अंग्रेजी का टेक्स्ट ही बस बार बार कोरलेट कर रहा हूं कुछ नया नहीं पढ़ रहे आप इज दैट अंडरस्टूड डे वन बताया था ना भाई वट वी ओन वट बिलोंग्स टू अस इज एन अट और जो हमारे ऑब्लीगेशन है ओइंग वो क्या है लाइबिलिटीज समझ गए बच्चों एंड प्री रिसीव्ड रेंट दैट इज पैसे तो मिल गए बट बदले में सर्विस नहीं दी गई तो इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन है तो बैलेंस शीट में किधर को आ किएगा लाइबिलिटी समझ गए सब लोग शीट में ये गंदगी मचा रहे हैं ना बिकॉज जितनी शीट गंदी होगी एग्जाम में कॉपी उतनी साफ होगी बॉर्डर मूवी में वो एक सनी देओल साहब का डायलॉग था ना द मोर यू स्वेट एन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर मूवी देखना बहुत जरूरी है पढ़ाई करने के लिए तो जितना एग्जाम से पहले लिखेंगे पढ़ेंगे वहां पे समस्या उतनी कम होगी बट अगेन कभी कभी घर के अंदर गेस्ट ऑलरेडी आ चुके होते हैं रेंट रिसीव्ड की जर्नल एंट्री क्या होगी चिल्ड्रन कैश और बैंक टू रेंट प्री रिसीव रेंट की एंट्री आपको नजर आ रही है रेंट टू प्री रिसीव्ड चिल्ड्रन एफ आई से कि भाई रेंट अकाउंट में आप पोस्टिंग कैसे करेंगे

इनकम समझ में आ गया बच्चों आई रिपीट चिल्ड्रन दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज योर इनकम तो आपको क्या फिर से माइनस करने की जरूरत है नो तो ऑलरेडी आपको होली खेलने का मन था पूरे खानदान के साथ आपने कहा क्या अलग-अलग -लग रंग लगाएं तो आपने मेरे को फोन किया सर आइडिया दीजिए मैंने कहा वाटर टैंक में जाके दो क्विंटल रंग मिला दो और घर से भाग जाओ एक महीने के लिए कम से कम समझ में आ गया सब लोग अपने आप होली खेल लेंगे लॉजिक अंडरस्टूड तो ट्रायल बैलेंस के अंदर चीजें आ गई हैं, तो इनको ट्रेडिंग पीएल तक तक बैलेंस शीट जाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है ऑटो मोड एक्टिवेटेड हो चुका है फाइन। तो अगर हमसे ये भूल ना हुई होती तो शायद हमको कोई एडजस्टमेंट परफॉर्म करनी नहीं पड़ती तो मैंने इसलिए जानबूछ के आपको सिखाया बिकॉज अगर मैं ये बातें ना बताता तो आप हमेशा आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट प्रीपेड के दो इफेक्ट्स प्री रिसीव्ड के दो इफेक्ट्स अक्रूड के दो इफेक्ट्स डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट्स क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स हमेशा दिखाते हैं दे दे आर आर गिवन गिवन आउटसाइड आउटसाइड और है तो दो इफेक्ट होंगे बट है तो सिर्फ एक ही होगा तब दो नहीं हो समझे बात को नहीं समझे पक्का चलिए सो नाउ इट इज अपियरिंग इन साइड द ट्रायल बैलेंस बींगाइबिलिटी कहां जाएगा बच्चों ओनली इन बैलेंस शीट समझ में आ गया

कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क